मैं आके मालिश करवा रही हूँ क्योंकि आज मलाक भी उम्रे पे जा रही है हमारे साथ पे, अभी नहाएंगे, नेल्स काटेंगे, तो इसे फिर मैंने कहा कि जल्दी से नाश्ते के बाद मैंने कहा मलाक की मालिश करवा के उसे यहाँ पे लिटा देती हूँ, वो लेटी रहेगी, हमारे घर के जो बाकी काम है वो भी होता रहेंगे साथ साथ, फिर मलाक नहा भी लेगी और फिर साथ साथ नहाया सब नहाएंगे। अभी इसको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मलाक, छोटी थी ना, इतनी छोटी थी, एक दिन मैं डर गई थी, मेरे नाना अब्बा थे तो मैंने बोला अब्बा बड़ा अब्बा जो बड़े अब्बा थे वो मैंने बोला नैना को ले जाओ डॉक्टर के पास, तो ये बहुत बीमार हो गई है, डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको जल्दी से घर ले जाओ बस। वो डॉक्टर ने डरा दिया ऐसे, पता नहीं क्या नैना को कुछ हो जाएगा। फिर मैंने क्या सर्दी लगी थी मेरा भाई, सर काम पड़ी थी सर्दी, अच्छा, सर्दी गर्मियों में, अच्छा तो गर्मियों में, तो फिर तो कह रही है नशा मुकदा क्या है ना नाना अब लेके आए, तो मैंने आपको जो है उसमें कपड़े में लपेट कैसे रख दिया, मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या, आपने भी ऐसे देखे मरने वाले, हाँ मैं बीमार जो थी तुम, तो मैं थोड़ी देर के बाद देखा तो तुम खेल रही थी, मैंने कहा डॉक्टर मैं कुछ भी कर लू ना मैं मरूंगी ना, ऐसा हुआ था। और मैंने आज मेहंदी लगाई है, उम्रे पे जा रही हूं। देखिए माशाल्लाह से रूबीना अब्बाजी ने मेहंदी लगाई, कितनी प्यारी लग रही है। और एक बड़ी गुड न्यूज तो दें आज, क्या है जो आज सबके कहने पे आज आपने एक बात करने, आज काम करने वाले हो, कुछ अब्बाजी देंगे रूबीना, मैं बताती हूँ, तो नैना बता दें आज क्या नाम है मलाक का फेस रिवील होगा, आज हमारे एंजल का जो है हम लोग फेस रिवील करेंगे, और हम सब ने अहराम के साथ हम सब ने जो है एक जैसे हम लोगों ने कपड़े पहने होंगे खूबसूरत से, मतलब पाक सब होंगे, और फिर जो है देखो इसका नसीब कितना अच्छा है, और मलाक का फेस रिवील भी हम लोग इस तरह अहराम के साथ करेंगे माशाल्लाह। और मलाक जो मुझे ना सच में एंजल लगती है, देखे ना आई है ज्यारते हम सना बड़ी सारी कर रही है, इतनी छोटी उम्र में हम सबको भी बुलवाया, हम सबको भी अम्मी इतनी जो है इतनी बड़ी सब बन गई है, जरिया बन गई है अम्बाजी का, नैना का, खाला का, खाला ने देखे माशाल्लाह, खाला कह रही है की मैंने तो सोचा भी नहीं था की मैं जाऊंगी, लेकिन नैना मेरा जरिया बनी है, तो मैंने नैना को दुआ दे, नैना देखो दूध कैसे पी रही है, बुआ कह रही है मैं नैना को दुआ दे, कैसे बंद किए हुए उसने हमारी मुन्नी को, मैं भी यहाँ ना होती और अगर मलाक को ना होती तो फिर अब मैं भी यहाँ पे ना होती, मलाक की वजह से नाम सब बच गई थी, मुझे तक इसने उमरा कराना देखा। सलाम बाजी, मैं मुझे जो फील होता है ना कि मलाक सच में मुझे ना एक एंजल लगती है, हमारी लाइफ में जैसे हम लोग जैसे थे ना, अल्लाह ताला ने एक एंजल जो किसी को दिया होता ना, वैसे एक हमारे लिए ना एक सच में फरिश्ता बनकर आई है, सबको यहाँ पे जमा किया हमारे, कितना घर में खुशहाल। शरम बाजी खास तौर आपके लिए तो ये एंजल है, ठीक है, आपके लिए मुझे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नैना आई है आपको खुश कर रही है, नहीं ये एंजल आई है आपकी लाइफ में, तभी आपकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियाँ, अल्लाह ताला ने आपको आपके लिए भेजी है, घर में रौनक है, घर में देखो काफी लोग जमा हो गए इसकी वजह से, आगे भी देखते हैं। और एक और बात में भी रिवील कर देते हैं कि हम लोग रमजान के बाद जा रहे हैं किसी जगह पर, उसका नाम टी से शुरू होते हैं, आगे हम नहीं बताएंगे, आप लोग आगे बता दीजिए, नहीं छोड़ दो बाजी देखे ना जरा, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊं, नहीं टी से आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता तो लग, नहीं बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सना बाजी अभी हम लोग यहीं पे क्लिप यहीं पर एंड करते हैं, हमारा क्लिप जो है काफी बड़ा हो गया है, हमारी जिंदगी से भी बड़ा हो गया, यहीं पे एंड करते हैं, जो भी हो बातें होंगी वो तो हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, हमारे जो भी व्लॉग्स हैं कुछ ना कुछ हिंट मिलता ही रहेगा उससे। और इसके साथ बैठी हूँ तो मेरे हाथों के जो है बाल सड़ गए, अभी मेरी ऑयलिंग हो रही है, और आज हमने उमरा करने जाने से अपने नेल काटने हैं, नहाने हैं, इहराम पहनने हैं, और जब उधर उमरा करने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, नैना आप ही हो गए हमारे साथ गाड़ी में, बहुत सारा मजा आएगा, और सब होंगे, रूबीना खाला होंगी, नाना होंगे, मलाक होंगे, मलाक नहा के फ्रेश हो गए, और मलाक ने व्हाइट सूट भी पहन लिया माशाल्लाह से, मलाक के काफी सारे व्हाइट सूट थे तो लेने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए आज मलाक ने देखे व्हाइट सूट पहन लिया, व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ है मलाक ने, और बस कुछ देर तक मेरी मलाक स्कार्फ पहनेगी, उमरा पे जाएगा मेरा बच्चा, हमारी उमरे की तैयारी में हमारा खाना पीना भी शामिल है, और रूबीना बाजी यहाँ पर बना रही हैं बिस्किट जो कि पहले बनाए थे उन्होंने, चेक करने के लिए हमने घर पे बनाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा मजे के बने हैं, फिर इसलिए फिर मैंने कहा रूबीना बाजी फिर से और बनाए और ज्यादा बनाए, ये देखें अभी ये जो हमारी क्वांटिटी बन रही है बहुत ज्यादा बन रही है, और वो तो खत्म हो गए ना सारे, इस मीठे के साथ और भी मजेदार बनाने वाले है ना नैना, बहुत मजे के बनेंगे और ज्यादा बनाएंगे।
ना उस वक्त तो कम थे हाँ, अभी ज्यादा बनने वाले हैं। और इसमें है मैदा है, सौंफ है, नमक है, आटा भी डाला है ना, गंदम का आटा डाला है मैंने, शक्कर डाली है और दूध डाला है, इसे गूंद रहे हैं। ये सब कुछ मिक्स किया ना आपने? मिक्स किया है, फिर मैं इसको वो कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। ये बहुत सख्त करूंगी, फिर छोटे छोटे इसके ना बॉल बनाऊंगी, ऐसे छोटे छोटे होंगे। बिल्कुल भी ना देखें इसको, नरम नहीं करना इस तरह से रवीना भाजी, इसको सख्त होता है, कलर इसका ऐसा होगा। वो क्योंकि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी मैं। नैना खा रही है, देखें खिचोरी हमसे। मलाक क्या कर रही है माशाल्लाह, मलाक अपनी नानो के पास बैठी हुई है। मलाक शो ना बच्चा, क्या कर रहा है? मेरी जान पहले तैयार हो गई है। मलाक का एहराम जो की बहुत ही ज्यादा प्यारा है माशाल्लाह। देखें यहाँ से ना अक का जो वो फेस है वो छोटा सा है, लेकिन यहाँ से जो बड़ा है यहाँ से लूज है। यहाँ तक मैं अभी सिलाई लगा रही हूँ, तक लगाऊ बहुत छोटा फेस है। तो अभी मैंने सुई धागा लिया हुआ पकड़ा हुआ अपने हाथ में की मैं अभी सिलाई लगा के ना तो यहीं से अभी सेट कर लूँ। मलाक को कैसे सो रही है यहाँ पे? मलाक को हमारी ज्यादा जी। ये देखिए माशाल्लाह से रुबीना बाजी ने काफी सारे बना लिए, बन भी रहे हैं यहाँ पे रुबीना बाजी बना रहे हैं। और ये देखिए बना रही हूँ मैं डाल रही हूँ। इनका जो प्रोसेस है ना वो आप सबको दिखा दिए, इस तरह से रुबीना बाजी बना रही है। और इनका जो फाइनल लुक है ये रहा, जो कि बहुत ही ज्यादा मजे के बने हुए हैं। ऐसे ऐसे पहले गोल बना लेते हैं, फिर इसको मैं हाथ से ऐसे, जैसे कबाब नहीं बनाते इस तरह, सिर्फ हाथ से ही बना रही है ना, हाथ से बना रही हूँ बस इस तरह से मैं ऐसे ऐसे दबा दूंगी। और इसमें जो है ना चीनी भी रुबीना बाजी ने हल्की सी डाली है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी डाली है, नॉर्मल सी, जो कि खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा मीठा नहीं है इसमें। भी मलाक की मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमने तकरीबन 2 से 3 दिन तो हमें वहाँ पे लग ही जाने हैं। ये छोटी बेबी है तो उसके मुझे लगता है कि तकरीबन कुछ ज्यादा ही होने चाहिए कपड़े। हानिया और मुस्तफा के जो है ना मैंने 2 सूट निकाले हैं, 2-2 निकाले हैं, लेकिन मैं मलाक के जो मैं ज्यादा रख रही हूँ, तो बड़े जो है वो ज्यादा गंदे करते तो नहीं, खैर छोटी मलाक भी गंदे ज्यादा करेगी तो नहीं, जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इसलिए मैं जब भी बाहर जाती थी छोटे बच्चों की मैं रखती थी साथ में, तो इसलिए मैं मलाक के लिए भी ज्यादा रख रही हूँ 2 से 3 दिन। हमें पक्की बात है कि 2 से 3 दिन जो है, तो एक मलाक के लिए मैं ये वाला बैग ले रही हूँ, इसमें इसका काफी सारा सामान आ जाएगा। और दूसरा एक मैं पिंक ले रही हूँ, जो हमेशा मैं बाहर जाती हूँ साथ लेकर जाती हूँ ना, तो उसमें वाइप्स और जैसे पैम्पर डायपर वगैरह हो गए मैं वो रख लूंगी। इसमें कपड़े हो गए जैसे उसकी स्किन केयर की चीजें होगी, तो वो मैं इस बैग में रख रही हूँ। दिखाओ सीधी हो जाओ, नीचे से दिखाओ भाई अपना कैसा लग रहा है आपको। माशाल्लाह ये तो प्यारा लग रहा है हानिया का अबाया। मम्मा पर ये कि इधर से दिखता है ना, तो अबाया ऐसे ही होता है, अंदर से दिखते हैं, यहाँ से टिच लगे हुए ना इसको, बंद नहीं है आपका, पूरा जिप नहीं लगी हुई। हानिया जब ये दुपट्टा पहनेगी ना व्हाइट वाला, बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी माशाल्लाह। मलाक कब पहनेगी? मलाक को भी अभी पहना। कैसे लग रहा है मेरा एहराम? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच बताओ? सच्ची में सलाम जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे से कैप कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी लग रही है। हाँ। वो ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मेरी कैप सेट नहीं हो रही, मैंने जैसे देखा ना मुझसे वैसे बन नहीं रही। वैसे नहीं बन रही, वैसे सेफ्टी पिन नहीं है मेरे पास। ये बाल सारे अंदर कवर हो जाए, इस तरह से पहनो। कैप बना ली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह के रहम करम से हम जा रहे हैं सब उमरा पे। अल्लाह पाक की रहमत हुई है, अल्लाह पाक का बुलावा आया है सब नाचीजों के लिए। इस बात का मैं बार बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। हम नाचीज हैं और किस धरती पे हैं, किस पाक सरजमीन पे हैं, और हमें मौका मिल जाता है फिर बार बार अल्लाह पाक के घर जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह को तो पहली बार मिला है और मैं हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और नसीब की बात देखें, आज मेरे चाचू मेरे ससुर भी हमारे साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने उमरा नहीं किया था, लेकिन अभी आए हैं, तो देखिए उमरा के चांस भी हमारा ऐसा बना है कि हम सब एक साथ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी डॉल भी दुपट्टा बना के देखा। नहीं, अब उसको खराब बनाया था। मैं पहना की मैं देखिए हानिया कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। प्यारी लग रही हो ना हानिया? कैसी लग रही है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है। हमने कोशिश तो बहुत की है कि इसका व्हाइट मिल जाए, लेकिन इसका व्हाइट नहीं मिला। बस अभी ये वैसे हमसे है भी अनोखी तो वैसे ये कह भी रही थी कि कौन सा मैं पहली बार उमरा कर रही हूँ तो मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, तो मिला भी उसको ऐसे जैसी इंसान की नियत होती है ना वैसे मिलता है। तो मेरी नियत थी कि मुझे कोई और कलर मिले, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन व्हाइट बहुत प्यारे लग रहे हैं। फरिश्ते उतर आए आसमान से। ये देखो भाई को देखो, और मेरा लाल भी व्हाइट व्हाइट पहने हुए हैं माशाल्लाह। नीचे खाला ने भी व्हाइट पहना हुआ है। मेरी मलाक ने ये वो हसीना की शक्ल लग रही है, बिल्कुल वो हसीना की तरह लग रही है। अभी जाके मैं नीचे, खैर मलाक को मैंने कपड़े तो पहना दिए हैं व्हाइट, लेकिन मैंने अभी तक एहराम नहीं पहना है मलाक को। अभी जाके मैं नीचे मलाक को एहराम पहनाती हूँ। मैंने बना लिए हमारे सफर के लिए पापड़, और इनमें चाट मसाला भी डाल दिए कि नजर आ रहा है कि इसने डाला हुआ है माशाल्लाह से। ये देखिए मोना भी सबके लिए सैंडविच बना रही है। घर से निकलने से पहले सब खा ले हम। मोना मुझे बता रही है हम सफर के दौरान ये खाएंगे, घर से नहीं खाएंगे। और यहाँ पे मोना लगी हुई है, मेहनत कर रही है। अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सफर में जब मैं जाऊँ तो काफी सारी चीजें मैं बना के जाऊँ साथ में, सब हम साथ मिल बैठ बैठ
के खाएं तो इससे जो हमारा टाइम है वो भी अच्छा गुजरता है और काफी अच्छा लगता है जब फैमिली बाहर जा रही होती है तो मिल बांट के खाने से तो इससे प्यार भी बढ़ता है। और शुरू से ये मेरी आदत है, शायद मेरी जो थोड़ी थोड़ी आदतें वो मोना में आ रही है। मेरे लिए भी दुआ करना, नानी के लिए भी। कुकू आ गया रास्ते में, मेरे लिए भी, अम्मा के लिए भी, सबके लिए। अम्मा के लिए मांगना भी जल्दी आ जाए। से पहले रमजान भी आ गया ना, तो रमजान आ गया ना, अभी रमजान आ गया ना, उसको दो दिन है रमजान को। और ये देखिए खाला ने माशाल्लाह से अहराम पहना हुआ है, खाला बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सबको दिखा दिया था मैंने आपको खाला को। ये हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है, बस हम जा रहे हैं अभी। मोना सबसे पहले सामान लेके जा रही है बाहर। रुबीना बाजी और नैना की लड़ाई चल रही है अभी। मजाक घर में होती है, मजाक घर में नहीं होती, अच्छी हाँ, लेकिन ये मजाक करती रहती है हर जगह पे ना। रुबीना बाजी को तंग करती रहती है। बताओ पाकिस्तान में जाके तो वही रोना धोना ही है, ठीक है, एक एक ही टाइम मिला यहाँ पर, क्यों रोना धोना है पाकिस्तान? अरे बताओ वहाँ पे वैसे करती हूँ, कसम खाती हूँ। नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। रुबीना बाजी को बस ऐसे खुश करने के लिए और मुझे खुश करने के लिए ऐसे करती है। बुआ को, बुआ भी घर में ऐसे परेशान थे, बुआ आपके लिए करती है, बताओ। मुझे बुआ ही कहती है नाना छोटी कर। मेरी मलाक की कैरी कॉट, उसका बैग रेडी यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तमन्ना सब रेडी हो गए हैं, बस अभी निकल रहे हैं। चलो तमन्ना, मैं जा रही हूँ बाहर सामान लेकर। रुबीना बाजी भी बाहर चली गई है, खाला भी चली गई है मलाक को लेके। रुबीना खाला सारा सामान रख लिया आपने अपना? हाँ अपना रख रही हूँ। अभी सामान नहीं रखते ना रुबीना बाजी, हम लोग मामा फिर बैठेंगे कैसे? हाँ अभी हम सेटिंग करते हैं, क्योंकि ये जो सीट है ना ये सारी नीचे कर देंगे, सारी नीचे कर देंगे और पीछे ना हम बैठ जाएंगे सब, ऐसे ना सारे नहीं बैठ सकेंगे, जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे ना रुबीना बाजी एक टोली निकली हुई व्हाइट कपड़े पहन के। अभी हम सेटिंग कर रहे हैं गाड़ी की। हाँ क्या हुआ? अबू की स्टिक नहीं मिल रही। सो आप जाओ अंदर जाके देखो अबू की स्टिक। तमन्ना जाओ आप भी जाके ढूंढो मुस्तफा के साथ अबू की स्टिक नहीं मिली। हानिया ने उठाई हुई थी, हानिया से पूछे, पूछे हानिया से, मम्मा हानिया के पास नहीं। अबू की स्टिक कहाँ है? ऊपर है जी। हानिया ये मैट्रेस पकड़ो, ये मैट्रेस डाल रहे हैं नीचे। अमोन ऐसे ठीक है बस। अब दूसरा हानिया ये वाला मुझे पकड़ाओ, हानिया ये मुझे दे दो यहाँ से। हानिया शूज उठा लो अपने, साइड पे हो जाओ, खींचो आगे मैट्रेस को, जिस पे आप बैठे हो इसको खींचो, बस वाली को भी खींचो, बस अब ठीक है बस। सामान हमारे पास कुछ ज्यादा है तो इसलिए हम ऊपर रखे हैं ताकि हमें पीछे बैठने में मसला ना हो। देखें ये हमारा जो सेटअप बना है पीछे बैठने का कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये बैग अब मैं नीचे रख रही हूँ क्योंकि इसमें मलाक का सामान है तो ये हमें जरूरत पड़ेगा। ये जगह हाँ नीचे ऐसे चली जाएगी। क्या हुआ है? हंस कैसे रही है? कुकू भी हमारे साथ जा रहे हैं और कुकू को हम छोड़ने जा रहे हैं चाची के घर। एक दो दिन हमें लग जाएंगे तो कुकू पीछे अकेला नहीं रह सकता। कुकू मक्का चलना है हमारे साथ? कुकू ये दादी के घर जा रहे हैं। हाँ ये दादी के घर जा रहे हैं। अकेला किसके साथ रहता पीछे? आप ले चले, उम्रा भी करवा रही है, उम्रा करेगा हमारे साथ। मैंने कहा मम्मा इसे भी साथ नहीं चलते, इसे भी मक्का दिखा देंगे और इसे उम्रा भी। कुकू को कुकू हमारा जा रहा है चाची के घर, चाची के घर के बाहर है अभी। अभी हम पहुंच गए हैं मस्जिद अल मिकात, ये सब बाहर आ गए हैं गाड़ी से। हानिया ने दुपट्टा कैसे पहना हुआ है? चाचू भी आ गए हैं। चप्पल को ले दूंगी। चप्पल लेनी है आपने? अच्छा अभी बोलती हूँ आपके पापा को। यहाँ से अभी हम मस्जिद अल मिकात में इंटर हो रहे हैं माशाल्लाह, और यहाँ से देखें मस्जिद अल मिकात की खूबसूरती माशाल्लाह तबारक रहमान। दिन में जितना ये मस्जिद खूबसूरत लगती है ना, रात में भी उतनी ही प्यारी लग रही है। और जिस जिसने भी मस्जिद अल मिकात को देखा है तो वो अच्छी तरह से जानता है कि मस्जिद अल मिकात बहुत ही निहायत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो इस वक्त हम मस्जिद अल मिकात में हैं जो कि निहायत ही खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ पे अभी हम आ गए हैं। हम जा रहे हैं उमरा गाइड बुक लेने के लिए, वहाँ से बुक लेके तो फिर हम मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाके नवाफिल अदा करते हैं, उमरा की नियत करते हैं, यहाँ से हमारा उमरा का मुबारक सफर जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और यहीं से मैं दुआ करूँ आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको ये मुबारक सफर उमरा का नसीब फरमाए, आमीन या रब। सबने व्हाइट पहने, रुबीना बाजी सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ सारे मलाक आगे जा रही है, तो अभी हम सब आ गए हैं, रुबीना बाजी भी है, सारे हैं यहाँ पे। और ये देखें सामने टॉप्स हैं सारी, तो यहाँ से जो है हम एहराम भी ले सकते हैं, यहाँ से हम चप्पल ले सकते हैं, नेल कटर ले सकते हैं, गाइड बुक ले सकते हैं, कैंची छोटी जो बाल काटने के लिए वो ले सकते हैं। हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है उमरा के लिए, जो भी आपको उमरा के लिए जो भी सामान यहाँ से चाहिए, एग्स चाहिए, एवरीथिंग उमरा से रिलेटेड हर चीज आपको यहाँ पे इजी से और आसानी से मिल सकती है। ये मस्जिद अल मिकात है, ये मस्जिद अल मिकात के सामने सारी ये देखें यहाँ पे हर चीज सेल हो रही है।
अच्छा घर पे ना काफी सारी जो उम्रा की गाइड बुक है ना, तो घर पे काफी सारे मेरे पास, क्योंकि जब भी हम आते हैं उम्रा के लिए तो हमेशा मैं लेती हूँ, तो इस दफा मुझे भूल गई है। अभी जब गाड़ी में हम थे तभी मुझे याद आई है। अभी यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ से अभी हम ये उम्रा गाइड बुक ले रहे हैं। और रुबीना बाजी आपको चाहिए ना? अच्छा एक मोना के लिए, एक नैना आपके लिए, तीन और उठा एक मुझे ये। अच्छा तो यहाँ से अभी हमने छह ले लिए क्योंकि हम छह हैं तो हमें छह जरूरत है आपको। उम्र का सफर मुबारक हो। रुबीना बाजी आपको भी मेरी तरफ से उम्र का सफर मुबारक। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से उम्र का सफर मुबारक। मना मेरी तरफ से उम्र का सफर मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। और मेरी तरफ से मुझे उम्र का सफर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया। मैं ना दरअसल परेशान हो रही थी कि हम लेट नाइट ना घर से निकले तो हो सकता है ये शॉप जो है ना वो बंद हो। कभी कभी ना ये चप्पल वाले जो शॉप होते हैं वो खुली होती हैं, लेकिन उम्र गाइड बुक जो है ना वो नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मिल गई। अभी हम इंटर हो रहे हैं मस्जिद अल मिकात में। माशाल्लाह से मस्जिद अल मिकात बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आगे इधर आ जाओ रुबीना बाजी। और रकात जो है ना वो हम एंट्री की नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना हम उम्र की नियत की नफिल अदा करेंगे। और माशाल्लाह से मैंने मलाक को एहराम पहना दिया यहाँ पे। माशाल्लाह मेरी मलाक बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। माशाल्लाह मेरी नजर ना लगे। अच्छा जैसे भी मुझे तो प्यारी लगती है लेकिन पता नहीं पीछे से दिखाती हूँ, पीछे से आपको और अच्छी लगी। एक सेकंड आप यहाँ से देखना, एक सेकंड देखें अभी आप इसको देखेगा सही। ये देखें, ये देखें, ये देखें बहुत क्यूट लग रही है छोटी सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमने यहाँ से उम्रा की नियत कर ली है। और बस अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, तो यहीं से हमारे उम्रे का मुबारक सफर जो है वो शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मेरी मलाक का उम्रा कबूल फरमाए। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो अभी हम इस खूबसूरत मस्जिद से एग्जिट हो रहे हैं। मम्मा रुबीना खाना मीठी मीठी चीज अच्छी बना लेती है ना? बहुत अच्छी बनाती है, हर चीज अच्छी बनाती है। तो मैं इन्हें आज से बुलाऊंगी जर्दा खाला। अच्छा मीठी चीजें अच्छी बनाते तो जर्दा खाला। जर्दा खाला चलें अभी, आ जाओ अभी चलें, आ जाओ। मेरा नाम अच्छा रखा है इसमें। और है पीछे कुछ नहीं, मुझे कुछ खाने का चाहिए। यानी नहीं मोना, मोना कुछ चाहिए खाने का हमें। मेरा सुबह से ना खाने को इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी, बहुत प्यार से बात कर रही थी मोना। इसको बोला एक पापड़ खाना, एक पापड़ उसने दो टिक्की। अब उठाओगे तो मैं जो कहता है एक खाना। मम्मा ये तो गलत बात है ना, हानिया अगर कहती मुझे बहुत सारे चाहिए तो खा लेती। भूख लगी हुई थी। हाँ तो भूख लगी है, एक तो वो छोटी बच्ची उसे भूख लगी। हानिया कहती उसने बहुत सारे उठाने तो उठा लेती, उसने कहा था मुझे एक ही चाहिए। मैं नहीं कर गई उठा लू। मून है रोज रूल्स के मुताबिक चलती, सुबह से उसके बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। अच्छा ये ले खाला, खाला यहाँ से उठाए पापड़। रुबीना बाजी आप ही उठाए, ये ले चाचू आप भी उठा लें। हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और हमारा माशाल्लाह से उम्रा का सफर मुबारक जो है ना वो हमारा जारी है। हमने कुछ देर के लिए स्टॉप किया है रास्ते में, किस हम यहाँ पे रुके हैं नमाज पढ़नी है हमने। तो बस इसी के साथ हमारा आज का जो खूबसूरत व्लॉग है इसको मैं करने लगी हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह उम्रा का होगा। हम वहाँ पे उम्रा कम्प्लीट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और आप सब हमारी दुआओं में, अल्लाह पाक हम सबको उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आप जो जो भी हमें देख रहे हैं, जिस जिस के दिल में भी उम्रा पे आने की ख्वाहिश है ना, अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनकी ये ख्वाहिश कबूल फरमाए। आमीन या रब। अल्लाह हाफिज़।